हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का पहला टॉपिक फाइनाइट डिफरेंसेस। ओके, फाइनाइट डिफरेंसेस का मतलब ये निकलता है कि अगर आपको कोई दो दूरी दी हुई है तो उनका डिफरेंस फाइनाइट होना चाहिए। अगर आपको 10, 20 या 100 दूरियां दी हुई हैं, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी अगर आप निकालते हो तो वो फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट वाई बी एनी फंक्शन, ओके, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन गिवन बाई द वैल्यूज वाई ज़ीरो, वाई वन, वाई टू अप टू वाई एन, विच इट टेक्स द इक्व डिस्टेंस वैल्यूज एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, दैन y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फंक्शन y। इस लाइन का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना, एक एक वर्ड क्लियर करूँगा बेटा। पहली बात तो कह रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ओके, आप जानते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन तब बनता है अगर मैं मेरे पास जो है, पहली बात तो यह है कि फंक्शन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। मान लिया अगर ये मेरे पास कोई एक सेट ए है, ये कोई दूसरा सेट बी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और इधर एलिमेंट है ए बी सी और डी, और एक ऐसा नियम होता है जिससे ये डोमेन होता है, ये डोमेन होता है और ये होता है मेरे पास कोडोमेन। ओके, यानी डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तब इस चीज़ को फंक्शन कहते हैं। पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर में आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर फंक्शन पढ़े होंगे। ओके, अब ये कहना चाह रहा है कि अगर इस फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज़ हों, जैसे पहले वाली वैल्यूज़ वाई वन हो, दूसरे वाली वैल्यूज़ वाई टू हो, तीसरी वाली वैल्यू वाई थ्री अप टू वाई एन हो, और बराबर दूरियाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग में बराबर दूरियाँ एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन हो, जहाँ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब इस दूरी के अंदर से फंक्शन की इस वैल्यू के अंदर से इसको घटाना या इसके अंदर से इसको घटा लेना या उससे अगले वाली से उससे पिछले वाली को घटा लेना, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन वाई। जैसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए आपको x की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, सपोज दैट, और कॉरस्पॉन्डिंग में y की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना। x की वैल्यू दे दी सपोज दैट 0 दे दी, उसके बाद 5 दे दी, उसके बाद 10 दे दी, उसके बाद 15 दे दी, y की कुछ वैल्यू दी सपोज दैट ये y की वैल्यू दे दी हमें 3, उसके बाद 7 दे दी, उसके बाद 9 दे दी, उसके बाद 11 दे दी। पहली बात तो ये है बेटा, ये जो वैल्यूज़ हैं वाई की, ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, ये वाली तो वाई ज़ीरो है, ये वाली आपके पास वाई वन है, ये वाली आपके पास वाई टू है और ये वाली आपके पास वाई थ्री है। ओके, दूसरी बात ये है, ये कहना चाह रहा है कि वाई वन माइनस वाई ज़ीरो, यानी इस वैल्यू के अंदर से आपको इसको घटाना है, इसके अंदर से आपको इसको घटाना है या फिर इसके अंदर से आपको इसको घटाना है। ओके, ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं किसी फंक्शन की जो मैं कह रहा हूँ वाई ज़ीरो, वाई वन अप टू वाई एन। ओके, अब आगे कहना चाह रहा है विद इक्वल डिस्टेंस एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन। ये देखना बेटा एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन क्या है। अगर मान लिया ये वाली पहले वाली वैल्यू एक्स जीरो है, दूसरे वाली वैल्यू आपके पास एक्स वन है, तीसरे वाली वैल्यू एक्स टू है और ये आपके पास एक्स थ्री है। आप पाँच के अंदर से जीरो को घटाओ, पाँच आएगा, दस के अंदर से पाँच को घटाओ, पाँच आएगा, पंद्रह के अंदर से दस को घटाओ, कितना आएगा, पाँच आएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, हर बार इक्वल डिफरेंस आ रहा है। इसको कहना चाह रहा है राइटर कि अगर कोरस्पॉन्डिंग में उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल डिस्टेंस हो, यानी बराबर दूरियों पर हो, अगर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग में फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज़ दे दी जाएँ और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी जो हैं इनका डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो या इक्वल दूरी पर हो, ओके, तब कहना चाह रहा है कि वाई वन माइनस के वाई ज़ीरो या y2 माइनस के y1 या y3 माइनस के y2, दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन y। क्लियर, मेरे ख्याल से बात आपके समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई फिर और डिटेल में बताता हूँ, समझने की कोशिश करना भाई। ये कहना चाह रहा है कि x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, y की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। x की जो वैल्यूज़ हैं सपोज दैट ये 10 दे रखी है, ये 20 दे रखी है, ये 30 दे रखी है। y की क्या वैल्यू दे रखी है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। सपोज दैट ये 0.1 दे रखी है, 0.001 दे रखी है, 0.002 दे रखी है। तो ये जो y की वैल्यूज़ है, ये फंक्शन की ये वाली वैल्यूज़ हैं y1, y2 अप टू yn। और यहाँ जो आगे कहना चाह रहा है इक्वल डिस्टेंस, देखो आप
आप 20 के अंदर से 10 घटा लो या 30 के अंदर से आप 20 घटा लो, कितना रिजल्ट निकल करके आता है? इक्वल डिस्टेंस है, बराबर इक्वल निकलता है। तब सेकंड वैल्यू के अंदर से फर्स्ट वैल्यू को घटा लेना, अगर ये वाई जीरो है, ये वाली वैल्यू वाई वन है, ये वाली वैल्यू वाई टू है, तो तब राइटर कहना चाह रहा है कि वाई वन के अंदर से वाई जीरो घटा लो, या वाई टू के अंदर से वाई वन घटा लो, या वाई थ्री के अंदर से वाई टू घटा लो। ये जो होता है दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंस, एफ आई आर एस टी डिफरेंस। क्लियर? मेरा ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई डेल वाई जीरो या डेल y1 या डेल y2 या डेल yn अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ओके, सो दैट, अब समझने की कोशिश करना, डेल y0 की जो वैल्यू होगी बेटा वो फिक्स होगी, यानी y1 माइनस y0, जो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना कैसे, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपको जो है एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, x की वैल्यूज दे रखी हैं और कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यूज दे रखी हैं। ये होता क्या है, x की वैल्यूज दे रखी है आपको 5, ये दे रखी है 10, ये दे रखी है 15, ये दे रखी है 20, जाहिर सी बात है इक्वल डिस्टेंस वैल्यूज़ हैं। y की वैल्यूज दे रखी है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो यहाँ ये जो कहना चाह रहा है डेल y1, डेल y0 क्या होगा? डेल y0 का मतलब है y1 माइनस के y0। समझने की कोशिश करना, ये तो होगी मेरे पास y0 पहले वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी y1, ये वाली वैल्यू होगी y2, ये वाली वैल्यू होगी y3। तो डेल y0 की जो डेफिनेशन है y1 माइनस y0, यानी डेल y0 की वैल्यू होगी y1 माइनस के y0। आप y1 की वैल्यू उठाओ 3, माइनस के y0 की वैल्यू उठाओ 2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं डेल y1 की बात करता हूँ, डेल y1 इज इक्वल टू जो होगा बेटा, समझने की कोशिश करना, y2 माइनस y1 है। यहाँ से देखो आप, y2 टू माइनस वाई वन, यानी डेल y1 का फार्मूला है y2 टू माइनस के y1, यानी y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7, y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, बराबर होगी 4 के। क्लियर? राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये फिक्स फार्मूला होता है, यानी डेल y0 जीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस के वाई जीरो, डेल y1 इज इक्वल टू उससे अगली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रिसीडिंग वैल्यू, उससे पहले वाली वैल्यू, y2 इज इक्वल टू होगा, सॉरी डेल y1 इज इक्वल टू होगा y2 माइनस के y1 एंड सो ऑन। y3 बराबर क्या होगा भाई, आप समझ चुके होंगे, डेल y3 इज इक्वल टू होगा मेरे पास y4 माइनस के y3। अगर मैं डेल y2 की बात करूं, y2 बराबर होगा, अगली वैल्यू देखो आप, y3 माइनस के y2। ओके, अगर मैं आपको कहूं डेल y10 की वैल्यू कितनी होगी, सर आप कहोगे y11 के अंदर से पहले वाली वैल्यू घटा दो 10। क्लियर? अगर मैं एन की बात करूं, डेल वाई एन इज इक्वल टू होगा, ओके, डेल वाई एन इज इक्वल टू होगा वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, यानी जो वैल्यू है उसमें से, उससे, समझने की कोशिश करना, एन प्लस वन के अंदर से, यानी अगले वाली वैल्यू के अंदर से, एन के बाद एन प्लस वन है, जहाँ मैंने गलती कर दी है, वाई एन प्लस वन के अंदर से कितना घट जाएगा, वाई एन हो जाएगा, यानी डेल वाई एन जो होगा, डेल वाई एन जो होगा वो होगा वाई एन प्लस वन के अंदर से माइनस हो जाएगा वाई एन, अगले वाली वैल्यू माइनस जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो वाली वैल्यू। क्लियर? समझ आ चुकी बात, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट ये जो डेल है दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। अगर यहाँ ओके, और अगर इसको किसी फंक्शन के साथ लगा दिया जाएगा, यानी डेल ऑफ एफ एक्स कर दिया जाएगा, दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंस। क्लियर? अगर बाय चांस मैं स्क्वायर कर दूंगा, डेल स्क्वायर वाई कर दूंगा, यानी वाई का मतलब है, मैं आपको बता चुका, वाई इज इक्वल टू है मेरे पास एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? यानी अगर किसी फंक्शन के को ऑपरेट करना चाह रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने डेल स्क्वायर लगा दिया, दिस इज नोन एज सेकंड डिफरेंस। ओके, और अगर बाय चांस मैं डेल थ्री वाई की बात करूँगा, दिस इज नोन एज थर्ड डिफरेंस। अगर मैं डेल फोर वाई की बात करूँगा, दिस इज नोन एज फोर्थ डिफरेंस। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मैंने वही बोल दिया है कि एंड सो ऑन। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा कि डेल वाई जीरो का जो रिजल्ट है वो वाई वन माइनस के वाई जीरो है, अर्थात ये फार्मूला बन चुका है, बिल्कुल फिक्स है। अब अगर बाय चांस आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, सर डेल स्क्वायर वाई जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, समझने की कोशिश करना, मैंने डेल स्क्वायर को लिखा डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर ये वाई जीरो मेरा एच डी, मैंने डेल वाई जीरो की वैल्यू डाली आपके सामने है, डेल वाई जीरो की वैल्यू डाली जो कि हुई वाई वन माइनस के वाई जीरो, फिर मैंने इसके अंदर गुणा कर दी,
ये हुआ मेरे पास डेल वाई वन माइनस के डेल वाई जीरो। अब मैंने डेल वाई वन की वैल्यू डाली, आपको पता है डेल वाई वन का फार्मूला होता है वाई टू माइनस के वाई वन। मैंने वैल्यू डाली वाई टू माइनस वाई वन, ये माइनस का निशान एज इट इज। डेल वाई जीरो की वैल्यू डाली जो कि वाई वन माइनस वाई जीरो है, वाई वन माइनस के वाई जीरो। अब यहाँ से समझो आप बेटा, वाई टू एज इट इज माइनस के वाई वन अर्थात टू वाई वन और माइनस माइनस प्लस यानी वाई जीरो। ये किसकी वैल्यू हुई, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस डेल वाई जीरो। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस वेरी इजी, वेरी इजी। मैं ये मानता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर अगर कोई सबसे आसान बुक है तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल एनालिसिस है। देखना बेटा, आपके माइंड के अंदर फिर क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि सर डेल स्क्वायर वाई वन कैलकुलेट करो। आपने डेल स्क्वायर को लिखा, ये ब्रैकेट है बेटा, आपने डेल स्क्वायर को लिखा डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर हो चुका और वाई वन। अब यहाँ डेल वाई वन की वैल्यू डाली आपने, आपको पता है डेल वाई वन की वैल्यू जो होती है वो होती है वाई टू माइनस के वाई वन। मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ वाई टू माइनस के वाई वन। मैंने अंदर डेल ऑपरेट किया, ये हुआ डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन। फिर मैंने देखा डेल वाई टू की वैल्यू है वाई थ्री माइनस के वाई टू, ओके, और डेल वाई वन की वैल्यू है वाई टू माइनस के वाई वन। मैंने यहाँ डेल वाई टू की वैल्यू डाली जो कि वाई थ्री माइनस वाई टू है, आपके सामने है वाई थ्री माइनस वाई टू, माइनस डेल वाई वन की वैल्यू डाली जो कि वाई टू माइनस वाई वन है, वाई टू माइनस वाई वन। मैंने इसको सॉल्व किया, वाई थ्री मेरा एज इट इज, एक ये है एक ये है, माइनस के टू वाई वन वाई टू हुआ और माइनस माइनस प्लस के वाई वन। क्लियर, दिस इज नोन एज सेकेंड डिफरेंस। आप अगर थर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो डजेंट मैटर, मैंने अंत तक कैलकुलेट किया हुआ है, आगे देखते हैं। अगर बाय चांस सपोज दैट आपसे कहना चाह रहा है कि डेल थ्री वाई जीरो कैलकुलेट करो, तो जाहिर सी बात है डेल थ्री को लिख सकता हूँ डेल इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो, ओके। अब आगे देखना भाई, अब डेल स्क्वायर वाई जीरो, पहली बात तो यह है बेटा, अभी भी ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। डेल ऑपरेटर एक कॉमोटेटिव ऑपरेटर होता है, अर्थात आप डेल इंटू डेल स्क्वायर को लिख सकते हो डेल स्क्वायर इंटू डेल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, ये डेल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, डेल मैंने अंदर रखा और वाई जीरो। अब डेल वाई जीरो की वैल्यू आपको पता है कि वाई वन माइनस के वाई जीरो होती है, मैंने वैल्यू डाली वाई वन माइनस के वाई जीरो, ठीक है ना। आगे चलता हूँ, यहाँ के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो है बेटा डेल क्यूब वाई जीरो, डेल क्यूब वाई जीरो कैलकुलेट कर रहा था, कितना हुआ ये आ चुका था मेरे पास डेल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई वन माइनस के वाई जीरो। फिर मैंने इस डेल को तोड़ा, इसको मैंने लिखा डेल इंटू डेल, मैंने अंदर गुणा कर दी, एक डेल बाहर रखा दूसरे वाले डेल की अंदर गुणा कर दी, क्लियर। फिर मैंने डेल वाई वन की वैल्यू डाली जो कि वाई टू माइनस वाई वन है, माइनस डेल वाई जीरो की वैल्यू डाली जो कि वाई वन माइनस वाई जीरो है, आपके सामने है। मैंने इसको हल किया, वाई टू एज इट इज माइनस वाई वन एक ये, माइनस वाई वन एक ये, माइनस के टू वाई वन और माइनस माइनस प्लस, ये हुआ मेरा वाई जीरो, क्लियर। मैंने फिर डेल इसके ऊपर ऑपरेट किया, डेल ऑपरेट करने के बाद ये हुआ डेल वाई टू माइनस टू डेल वाई वन प्लस डेल वाई जीरो। अब फिर मैंने वाई टू की वैल्यू डाली, डेल वाई टू की वैल्यू कितनी होती है कि सर वाई थ्री माइनस के वाई टू, क्लियर। डेल वाई वन की वैल्यू कितनी होती है सर वाई टू माइनस के वाई वन, डेल वाई जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर वाई वन माइनस के वाई टू, सॉरी वाई वन माइनस के वाई जीरो। मैंने डेल वाई टू की वैल्यू डाली, आपके सामने है, माइनस टू एच डी जी रखा, बताऊंगा टू बाहर क्यों लिया, वाई टू माइनस के वाई वन प्लस के डेल वाई जीरो की वैल्यू डाली वाई वन माइनस के वाई टू। सिंपल सा कंसेप्ट में बता रहा हूँ बेटा, ये टू बाहर क्यों ले लिया बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, ठीक इसी तरीके से फॉरवर्ड डेल या बैकवर्ड डेल के अंदर अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आती है तो उसको उस डेल से बाहर लेते हैं, सिंपल सा रीज़न तो ये है, ओके। तो यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ये तो वाई थ्री मेरा एज इट इज, माइनस के वाई टू है, माइनस टू वाई टू है, माइनस दो माइनस वन, माइनस के थ्री वाई टू आया, माइनस के टू वाई टू, यहाँ से कितना निकला बेटा ध्यान से सुनना, माइनस माइनस हुआ प्लस टू वाई वन और प्लस के वाई वन, कितना थ्री वाई वन आ चुका और प्लस माइनस माइनस के वाई जीरो, क्लियर। अब समझने की कोशिश करना बेटा, समझने की कोशिश करना, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ थ्री है, जब यहाँ डेल थ्री है, ओके, पहली बात तो ये है बेटा, डेल का सिंपल सा फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, इस डेल को उस सब पावर कम वाले डेल में तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर डेल की पावर आर वाई एन हो
तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, यानी जो पावर आर है ना उस आर एक कम हो जाएगी और यहाँ एक जुड़ जाएगा, एन प्लस के वन होगा। फिर माइनस यहाँ ये एज इट इज होगा और यहाँ एक कम हो जाएगा वाई एन। क्लियर? अर्थात डेल आर वाई एन, अगर मैं इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन लगाता हूँ, ठीक है ना, तो सीधा सीधा ये निकल करके आएगा कि अगर डेल आर वाई एन की बात है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा, फिर ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाला एक इसमें से घट जाएगा। अर्थात दिस इज द फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर? इसी के बेस पर, मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पर ही मैंने इसको निकाला है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। सो दैट अगर मैं डेल वाई आर की बात कर रहा था बेटा, डेल आर वाई एन की बात कर रहा था, डेल आर वाई एन की वैल्यू है डेल आर माइनस वन वाई एन प्लस वन माइनस डेल आर माइनस वन वाई एन, ये होती ही है मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैं अभी आपको प्रूफ दे चुका। ओके, और इस चीज़ का आगे प्रूफ आने वाला भी है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, ध्यान से सुनना, डेल आर वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के आर माइनस फैक्टोरियल आर, सॉरी आर अपॉन फैक्टोरियल वन वाई एन प्लस आर माइनस वन प्लस आर आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू वाई एन प्लस आर माइनस के टू, एन सी टू की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, अर्थात ये एक जनरल फार्मूला है, आपको याद रखना है, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पर के मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस से निकल करके आता है। ओके, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ एक जो है ना घटेगा, नीचे एक जुड़ जाएगा और ऊपर वाला जो का तू रह करके रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं।